हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कोको कोको बाय मोहनी। तो बारिशों का मौसम होता है तो उस टाइम मन अपने आप ही मीठा खाने को करता है। तो अगर आपके पास ये चार चीज़ें अवेलेबल हैं घर पे, तो आप ये वाली डिश आराम से बना सकते हो, गुड़ के मीठे गुलगुले। इसके लिए हमें चाहिए होता है सौंफ, और हमें चाहिए आधा किलो गुड़, और हमें चाहिए आधा लीटर पानी, और हमें चाहिए आटा। आटा तो डिपेंड करेगा, हो सकता है इससे कम लगे, हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा भी लगे। तो बस अगर आपके पास ये चार चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप आराम से अपना खाने का ये वाली डिश बना सकते हो, जिसको बोलते हैं गुड़ के गुलगुले। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले गुड़ को हमने पानी में भिगोना है, और उसको हमने कम से के ऊपर रख के गैस के ऊपर इसको डिजॉल्व करना है। इसमें मैंने 6 लड्डू डाले हुए हैं, इसको मैंने सिम पे रखा हुआ है। तो गुड़ हमारा ऑलमोस्ट इसमें देखो डिजोल्व हो गया, तो थोड़ा बहुत इतना पीस आ रहा है क्योंकि पानी गर्म है, तो ये अपने आप ही इसमें डिजोल्व हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, इसलिए हम गैस को करने लगे हैं बंद। तो इसने तीन चार मिनट ही लिए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लिया डिजोल्व होने में। हमारा जो गुड़ का मिक्सचर है घोल, वो ठंडा हो गया। तो अब हम इसको एक छन्नी से छान लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी गुड़ के अंदर जो कोई डक्के वगैरह या कोई कचरा होता है थोड़ा बहुत, वो सारे का सारा इसमें से निकल जाएगा। तो हमेशा गुड़ को छान के ही यूज़ करना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, मैंने अपने पास आटा रखा हुआ है, तो धीरे धीरे करके मैं इसमें आटा मिक्स करती जाऊँगी और अपने घोल को रेडी करती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करना, तो बरसातों का मौसम है, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें अब मैंने थोड़ा सा आटा और मिक्स करना है, क्योंकि ये हल्का पतला है। और साथ ही में मैं ये डाल रही हूँ 1 चम्मच सौंफ। अब हम इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। तो ये देखिए घोल हमारा ऐसे रेडी हो गया। हमें यही चाहिए, ना तो ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा पतला, तो हम इसी से बनाएंगे अपने गुलगुले। तो इसको हम अभी 10 मिनट के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। गुलगुले जो बेस्ट बनते हैं वो बनते हैं सरसों के तेल में, तो मैं इसको सरसों के तेल में ही बनाने वाली हूँ। तो चलिए पहले हम अपना ऑयल रेडी कर लेते हैं, तब तक ये सेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, ये मैंने इसको मिक्सचर को थोड़ा बीट किया, तो ये थोड़ा पतला हो गया, इसलिए हमने बनाने गुलगुले। तो उसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा और आटा मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसका थोड़ा सा मिक्सचर है जो उसको थिक रखने। तो चलिए थोड़ा और आटा मिक्स करते हैं। तो ये बैटर की कंसिस्टेंसी पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे हमने गुलगुले बनानी है। तो उसमें उसको हम ऐसे चम्मच में जब डालते हैं तो वो बस ऐसे गिरना चाहिए नीचे, उसके धार नहीं बननी चाहिए। तो ये हमारा मिक्सचर जो है, हमारा आटा गुलगुले बनाने वाला हो गया रेडी। इसमें हमने गुड़ डाला है, बस सौंफ डाली है और आटा, तीन चीज़ें हैं इसमें और हमने कुछ नहीं डाला। तो तेल हमारा हो गया गरम, चलिए बनाने करते हैं स्टार्ट। बस हमने ऐसे करके अपना मिक्सचर है जो इसमें डालते जाने, और गुलगुले हमारे बन के रेडी होते जाएंगे। सरसों के तेल में हम बना रहे हैं इसको, इसका बेस्ट टेस्ट जो होता है वो सरसों के तेल में आता है। तो जब भी आप बनाओ सरसों के तेल में बनाना। अभी हम गैस को थोड़ा कम कर देंगे। हम अपने गुलगुले को कर रहे हैं डीप फ्राई। तो ये देखो इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो पहले जब आपने इसको डालना है तब से इसको फुल रखने, उसके बाद आपने गैस को थोड़ा कम कर देना, अदरवाइज ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अभी थोड़े से मैं इसको लो फ्लेम पे पकाने वाली हूँ। तो जब भी बरसात होती है तो गाँव वाले लोग जो होते हैं, पता क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं गुलगुले। तो जैसे आज भी बरसात हो रही है तो हम भी बना रहे हैं गुलगुले। तो ये देखिए कितने अच्छे मेरे रेडी हो रहे हैं। तो गांव वाले लोगों का खाना पीना बिल्कुल प्योर होता है, वो दूसरी चीज़ें बहुत कम खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर ये वो। उनके सरसों का तेल भी मोस्टली जैसे घर का ही होता है, और आटा गुड़ सब चीज़ें लोकली अवेलेबल होती हैं। तो ये वाली प्योरली गांव की डिश है। तो ये देखो खूब ज़ोर शोर से बरसात भी हो रही है,
और हम भी रेडी कर रहे हैं अपने गुलगुले। ये देखो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अच्छे से रेडी हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो जब भी आपने गुलगुले बनाने से का मिक्सचर जब बनाना है, तो जब हम गुड़ को पानी में घोलते हैं तो उसी टाइम आप गुड़ का टेस्ट चेक कर लेना पानी का। जितना मीठा वो पानी बनेगा उतना ही मीठा आपका ये गुलगुले बनने वाले हैं। तो उसी टाइम आप अपनी शुगर लेवल जो है अपने मिक्सचर का वो चेक कर लेना, क्योंकि बाद में इसमें चीनी वगैरह ऐड करनी मुश्किल हो जाती है। तो उसी टाइम आप ऐड कर सकते हो जिस टाइम आप इसका गुड़ का घोल बनाते हो उसी टाइम। या तो गुड़ और ऐड करना पड़ेगा अगर कम लग रहा है तो, नहीं तो फिर थोड़ी चीनी डाल भी सकते हो। मैंने तो प्योरली गुड़ के बना रही हूँ मैं तो, इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल चीनी नहीं ऐड की है। तो आप भी उसी टाइम चेक कर लेना, मैंने चेक कर लिया था, मैं आपको बताना भूल गई। तो गुड़ वाले पानी को पी के देख लेना बस, जैसा उसका टेस्ट आ रहा है उतना ही मीठा बनने वाला है आपके गुलगुले। बस ये एक फंडा है इसमें। तो ये देखो हो गया हमारा अच्छे से पूरा रेडी, देखो कितने अच्छे बने हैं। थोड़े कम से एक पे मैं बना रही हूँ इसलिए अंदर से अच्छे से पके हैं, कच्चे नहीं हैं बिल्कुल भी। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखो हमने इतने सारे अपने गुलगुले रेडी कर लिए हैं। और आपको हैरानी होगी कि जो तेल है हमारा कढ़ाई में वो ऑलमोस्ट उतना ही पड़ा है, बहुत कम तेल ये लेते हैं, तो हेल्दी भी हैं इसका मतलब। और ये देखो बरसात में खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनको। तो आप भी बनाएं गुलगुले और बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी खाओ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।